नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चंस जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। इन बर्ड्स एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है। दूसरा है कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। तीसरा है पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। एंड चौथा है इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये आप देखोगे इन चारों में से कौन सा गलत चूज करना है। पहला आपने पढ़ी लिया कि पक्षियों और जो स्तनधारी है उनमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा जो है कोलेस्ट्रम, जो मतलब दूध का जो माता का दूध होता है शुरू का, उसकी बात हो रही है, उसमें एंटीबॉडीज और पोषण पदार्थ पाए जाते हैं, सही है ये भी। तीसरा है पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस, नहीं ये सही नहीं है, पॉलीस्पर्मी वाला ठीक नहीं है, ठीक है। केमिकल चेंजेस नहीं होते उनके, फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह हो सकते हैं इन द लास्ट अपन देखेंगे कि ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days। हाँ, जो रोपण होता है, अंतर रोपण जैसे बोलेंगे अपन, वो अंतर रोपण होता है 7वें दिन के बाद में। तो इसमें जो लास्ट जो है सी ऑप्शन है, ये गलत है। सेकेंड, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला है हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओवुलेशनरी स्टेज, ठीक है। एस्ट्रोजन का उच्च लेवल जो होता है वो, जो हम अंडोत्सर्ग की बात करें, अंडोत्सर्ग सर्ज होता है वो करवाता है, ठीक है, दिमाग लगाइए। दूसरा है ओरिजिनल सेल्स ना ऑर्गोनियल सेल्स स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। थर्ड है स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूबुल्स आर पुअरली मोटाइल और नॉन मोटाइल। एंड चौथा है प्रोजेस्टेरोन लेवल इन हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसकी ओवुलेटरी फेज के बाद वाली अवस्था में वास्तव में ज़्यादा होता है, तो डी स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट है कि हाँ, रिलीज जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स जो होती है, ठीक है, वहाँ से जो स्पर्म निकलते हैं तो वो बहुत या तो नॉन मोटाइल होते हैं या फिर मतलब अचल होते हैं या फिर बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। पहला लेवल है वो भी, पहला भी सही है क्योंकि जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, LH निकलेगा, और LH निकलेगा तो ओवुलेशनरी जो ओवुलेटरी स्टेज जो होती है अंडोत्सर्ग वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट है स्पॉट द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से अलग कौन सा है, रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमस, वासा एफरेंशिया, इस्थमस। तो आप इसमें देखोगे रेटेटेस्टिस जो होता है वो टेस्टिस का बाद की जो बाहर जो स्ट्रक्चर बनती है, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जहाँ आके मिलती है उनको रेटेटेस्टिस बोल देंगे। एपिडिडाइमस जो होता है रेटेटेस्टिस के बाद वाली स्ट्रक्चर है, और रेटेटेस्टिस और एपिडिडाइमस के बीच में जो नलिकाएँ होती है उसे हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। इस्थमस होता है ये ओवरी से अटैच्ड, ओवरी के जो फेलोपियन ट्यूब होता है, सॉरी जो फेलोपियन ट्यूब होता है जिसका पार्ट हम यूट्रस से मिलता है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं स्थमस। तो ये स्थमस है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिस्टम है। तो चौथा इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट, यूरिथ्रा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें सेमिनल वेसिकल कहाँ, सीमन जो होता है उसमें जो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, वो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होता है। फर्स्ट तो इसका सही है। सेकंड हम देखें प्रोस्ट्रेट, हाँ, क्योंकि ये भी इसकी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, और बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड, तीन ग्लैंड मेल में पाई जाती है। इन तीनों का सीक्रेशन जो होता है वही क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। इसका मतलब इसका आंसर 1, 2, एंड 4, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चले अपन, स्पर्मिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द स्पर्म। स्पर्मिएशन क्या है, ठीक है, क्या है स्पर्मिएशन,
देखो इस चार टर्म आप बिलोगी स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इनसेमिनेशन, इजेकुलेशन। इनमें से स्पर्मिएशन क्या होता है, जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म बाहर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, एपिडिडाइमस में, तो उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका ए होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है, मेच्योर ग्राफीन फोलिकल इज जनरली प्रेजेंटेड इन ओवरी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड द अराउंड स्टेट। ये हो गई, कब तक होती है ये मेच्योर ग्राफीन फोलिकल, आप देखोगे तो ये हम इसमें देखें 5 से 8 दिन, नहीं 11 से 17 दिन। हाँ ये ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसका, 11 से 17 दिन के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू, एक्रोसोमल रिएक्शन क्यों होती है, इन कॉन्टेक्ट विद इट्स कॉन्टेक्ट विद जोना पेलिसिडा ऑफ द ओवा। हाँ चलो आगे और देख लेते हैं, रिएक्शन विद इन द यूटेराइन एनवायरमेंटल ऑफ द फीमेल, गलत है। रिएक्शन विद इन द एपिडिडाइमल एनवायरमेंट ऑफ द मेल, ये भी मतलब ठीक नहीं है। एंड्रोजन प्रोड्यूस टू द यूटरस, नहीं। तो इसमें जो पहला है, जो ही मतलब स्पर्म जो होता है वो स्पर्म का आगे वाला हिस्सा जो एक्रोसोमल एक्रोसोम होता है वो जो ही जोना पेलोसिडा से टच में आता है तो वहाँ से हाइलुरोनिडेज एंजाइम निकलता है और उस जोना पेलोसिडा को ये तोड़ देता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, इनमें कौन सी नर की सहायक ग्रंथि नहीं है। तो आप इसमें देखोगे सेमिनल वेसिकल अभी अपन ने पढ़ाई था, एम्पुला नहीं है। एम्पुला क्या है, फेलोपियन ट्यूब का चौड़ा भाग होता है, प्रोस्टेट है, बल्बोलिथल ग्लैंड ये भी है। तो इसका बी ऑप्शन गलत है क्योंकि बी ऑप्शन किस में आ रहा है, बी जो है वो फेलोपियन ट्यूब का भाग होता है। द इमेच्योर जर्म सेल्स अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट वन ऑफ द रेफरेंस टू अबो। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्रोसेस है उसमें कौन सा सही है वो देखना है। स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया देखो आप, पहला जो है जिस स्पर्मेटोगोनिया बनती है उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, जी हाँ होते हैं, 21 क्रोमोसोम होता है और वो हमेशा म्यूटिक डिवीजन होता है। हाँ जब भी म्यूटिक डिवीजन होगा तभी तो आगे एन कोशिका बनेगी। सेकेंड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाई माइटोटिक डिवीजन, 1 मिनट, इसमें देखना आप हमको क्या देखना है, सेकेंड वाला ऑप्शन कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, नहीं म्यूटिक डिवीजन होता है। थर्ड है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 23 क्रोमोसोम अंडरगो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, हाँ सी ऑप्शन सही है। एंड डी स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटिड्स, नहीं उल्टा, ये स्पर्मेटिड्स होता है वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होता है। तो इन चारों में से अपन को क्या देखना है, करेक्ट ढूंढना है ना, करेक्ट तो इसमें सी ही है। फर्स्ट में क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो म्योटिक, नहीं माइटोटिक डिवीजन होता है स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स होता है उसमें म्योटिक डिवीजन होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, सी एकदम करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मतलब मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं वो आपको मैच करना है। ठीक है, हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल। तो देखो आप, टेल का काम तो स्पर्म मोटिलिटी हो गया, हेड का काम क्या हो, एक्रोसोम का में क्या होता है, एंजाइम होता है, हेड में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, मिडिल पीस में क्या होता है, एनर्जी होती है। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, इसमें अगर आप देखोगे तो इसका ऑप्शन मैच कर रहा है पहला वाला, बी वाला। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, स्पर्मेटोगोनिया में 2n होता है, जायगोट में 2n होता है, सेकेंडरी ओसाइट में क्या होता है 23 क्रोमोसोम होता है, मतलब एन होता है, और डी उगोनिया ये भी 2n होती है। तो जो एन किस्म हो गई, मतलब 23 क्रोमोसोम किस्म होंगे, सी इस पर सेकेंडरी ओसाइट में। मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट करेक्ट ऑप्शंस, ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास और इम्प्लांटेशन। अब इसको आप मैच करोगे तो इनके फंक्शंस देखना, मतलब जैसे पहला दे रखा है एम्बेडिंग द ब्लास्टोसिस इनटू एंडोमेट्रियम, इसे क्या कहेंगे हम, इम्प्लांटेशन, मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर अगर मान लो जो क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो उसके अंदर रुक जाता है, घुस जाता है, तो उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो डी का क्या हो गया, 1। फिर दूसरा है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट इनटू एज एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। सी का क्या हो गया, सेकंड हो गया, सी सेकंड, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है,
एक मिनट और देख लेते हैं, डी का वन हो गया एंड सी का सेकेंड, अभी और देखते हैं। फिर इसके बाद क्लीवेज मतलब आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस अटैच टू द एंडोमेट्रियम, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस अटैच टू द एंडोमेट्रियम, दिस इज स्ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ए का थर्ड हो गया एंड बी का फोर्थ हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए का थर्ड, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाई ह्यूमन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन इसमें रिलीज नहीं होता। देखो, ह्यूमन कोरोनरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG रिलीज होता है, सही है। एस्ट्रोजन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, LH है ये पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। तो डी ऑप्शन इसका गलत है। द वास डेफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इन टू द यूरिथ्रा एज, आप बताओ इसमें क्या होगी, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम इजेकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका। देखो, वास डिफरेंस जो होती है ना, वो ऊपर जाके जो यूरिनरी ब्लेडर है उस ब्लेडर से जो यूरेटर होता है उसके ऊपर से निकल के वापस नीचे आती है और एक डक्ट में आके खुलती है यूरिथ्रा की फॉर्म में, उसे बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट, जिसे जो आगे चल के हम बोल देंगे उसे हम यूरोजेनिटल डक्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोजेनिटल डक्ट, जो आगे जाके खुलती है पेनिस के थ्रू। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया 14 का बी। यूरिथ्रल मीटियस रेफर टू, यूरिथ्रल मीटियस क्या है, एक तरह से आप देखोगे इसमें तो यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं, ओपनिंग ऑफ वास डेफरेंस इनटू यूरिथ्रा नहीं, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड नेक्स्ट है मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनिटल डक्ट। इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। मोरूला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज, किस किस के बीच में है मोरूला। देखो, मोरूला क्या होता है, एक सॉलिड मास ऑफ सेल होता है, बोस मतलब जब जायगोट का डिवीजन होता है, दो एक से दो सेल में, दो से चार सेल में, चार से आठ, आठ से सोलह, ठीक है इस तरह से। तो एक ठोस गेंद समान संरचना बनती है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन होगा बिटवीन जायगोट टू ब्लास्टोसिस, हाँ पहला ऑप्शन ही सही है वैसे, बाकी और ऑप्शन भी पढ़ लो आप। बिटवीन ब्लास्टोसिस टू गैस्ट्रोडा नहीं है, आफ्टर इम्प्लांटेशन नहीं है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस के बाद होता है। बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुलेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सबसे बढ़िया ऑप्शन है जायगोट का डिवीजन होगा और ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, उसके बीच में मोरूला अवस्था बनती है। द मेम्ब्रेन कवर ऑफ द ओवम ऑफ ओवुलेशन इज, मेम्ब्रेनस कवर जो होता है ओवुलेशन के टाइम में वो कौन सा होता है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, जोना रेडिएटा, कोरियोन। तो इसमें सही ऑप्शन है कोरोना रेडिएटा, बहुत से लोग इसमें जोना पेलुसिडा कर देंगे, लेकिन नहीं, ओवम की कवरिंग क्या होती है, कोरोना रेडिएटा होती है। ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिफाई द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग, लेबिया माइनोरा, फिम्बरी, इनफंडिबुलम और इंसमस। इसमें देखने की जरूरत नहीं है आपको कि लेबिया माइनोरा तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब बाह्य जननांग जो होते हैं उसका पार्ट होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, इस तरह से ये चार पाँच स्ट्रक्चर होती है। और फिम्बरी, इनफंडिबुलम और स्थमस किसके भाग होते हैं, ये होते हैं फेलोपियन ट्यूब, होता फीमेल में ही है लेकिन ये फेलोपियन ट्यूब के भाग है। तो इन सब में से अलग कौन सा, लेबिया माइनोरा। तो ये अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं जो मैंने एग्जाम्पलर बायोलॉजी से आपको, NCERT की बुक है एग्जाम्पलर बायोलॉजी, उससे मैंने आपको थोड़े से डिस्कशन इन क्वेश्चंस के बारे में किया है। अच्छी बुक है बहुत ये, अगर आप चाहो तो खुद भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इसमें देखोगे कि ऑब्जेक्टिव ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद आप और भी थोड़े बड़े वो क्वेश्चन इसमें हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी हैं। इस तरह से वेरी शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव होगा, फिर वेरी शॉर्ट होगा, फिर शॉर्ट होगा, फिर लॉन्ग टर्म लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप अगर ये बुक आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लो आप, या मैं मतलब इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको मैं आपको सारा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और ये मैं एक्सरसाइज इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि मेरे पास वैसे भी टाइम कम है, आप समझ रहे हो, और क्योंकि नीट का पेपर है। ठीक है, नीट का पेपर है, वो पास आने वाला है दो महीने बाद। तो
एक आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस की जितनी एक्सरसाइज, क्योंकि टॉपिक जितना ज़्यादा पढ़ोगे अब तो उतना नहीं है, वो नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ के यदि क्वेश्चन सोल्व कर लो, जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ो, बस यही एक लास्ट ऑप्शन बचा है नीट क्वालिफाई करने के लिए। और क्योंकि बायोलॉजी का जो बहुत बड़ा, मतलब हम बोलेंगे 180 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आते हैं, कितने हुए मतलब 360 मार्क्स के क्वेश्चंस तो सिर्फ बायोलॉजी बायोलॉजी के होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इनका, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना अब, ताकि इसका क्वेश्चन गलत ना हो और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ताकि टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बच जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।